तो वहीं कल सीएम हाउस में प्रभारी मंत्रियों की बैठक बुलाई गई, जिसमें सीएम शिवराज ने प्रभारी मंत्रियों को कई टिप्स दिए हैं। वहीं बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में मंत्रियों को प्रभाव मिलने के बाद कई जरूरी विषयों पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने कोरोना की लगातार समीक्षा करने और क्षेत्र में जनता से संपर्क बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि जो भी मंत्री प्रभार वाले जिलों के दौरे पर निकले तो कम से कम 2 दिन और 1 रात बिताएं। इसके साथ ही तबादलों के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि तबादला गाइडलाइंस के अनुसार ट्रांसफर करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने कई मंत्रियों की गैर मौजूदगी पर कहा कि कई मंत्री दूर होने की वजह से इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए। तो वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि नेमावर की घटना फास्ट ट्रैक कोर्ट में सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं पीड़ित परिवार को 41 लाख का मुआवजा देने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। बारे में जो अभी तक विस्तृत प्रक्रिया थी हमारी, सम्मानित विधायक, सांसद, संबंधित हमारे सभी जो प्रबंध समिति के सदस्य हैं, इन सब से परामर्श करने के बाद ही करने का कहा। पास की घटना को काफी गंभीरता से लिया, घटना बहुत दुखद थी, मन को आहत करने वाली थी, इसलिए सख्त से सख्त कार्रवाई स्पेशल कोर्ट के द्वारा वो पूरी कोशिश हो कि ऐसे दरिंदे फांसी पर पहुंच जाए। जैसे कि कोविड को खत्म न माने, इसकी समीक्षा लगातार प्रभार के जिले में जाए तो करते रहे। जो इससे संबंधित जरूरी सावधानियां हैं उन पर लगातार वो क्षेत्र में नहीं है तो भी मॉनिटरिंग करें। 41 लाख रुपए की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन लोगों के लिए की है, और जो कठोर कार्रवाई है वो भी कल की।